कोई कोई माला ऐसी होती कि माला पहनने वाले का मन ललचा जाता है। हमारे पास कोई बहुत सुंदर सुगंधित पुष्प की माला लाता है तो हम फिर उसको पहनते नहीं, हम कहते हैं अरे तुरंत ठाकुर जी के पास ले जाओ, ये तो ठाकुर जी के योग्य है, बाद में ठाकुर जी की प्रसादी तो हम पहनेंगे, तो ये सब ठाकुर जी की प्रसादी माला है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम वहाँ से किसी ब्यूटी पार्लर में और अपना श्रृंगार करा के आते हैं, नहीं, हमारे ठाकुर जी के लिए यहाँ सूरत के प्रेमी लोग सुंदर सुंदर माला बना के ठाकुर जी को अपने हाथ से माला बना करके हमारे जो सेव्य ठाकुर जी हैं उनको धराते हैं, और फिर उनका प्रसाद ये चंपा की माला हो या ये आज तो मयूर पंख का ऐसा सुंदर इसमें श्रृंगार किया है, क्या कहना, कमल है और मयूर पंख है, भगवत प्रसाद माला। मान लो कोई धोखे से भी माला पहना दे तो अमनिया प्रेणा प्रसादी, तो हमारे गले में शालिग्राम जी हैं, ये भी शालिग्राम भगवान ही हैं, इसी भाव से धारण करते हैं सब समय, नहीं विशेष समय, कथा आदि के समय या बैठने के समय, कि जिसमें कोई वस्तु अनिवेदित भी धारण करा दे तो हम स्वीकार ही नहीं करते कि हमने पहनी, हम तो यही समझते हमारे शालिग्राम जी को माला धारण कराई जा रही है, तो उनका प्रसाद तो हमको मिल ही रहा है, भाव की दृष्टि से और तो क्या है। क्या कह रहे थे, हाँ माला, तो माला देखकर मन ललचा गया, पहनने वालों का मन ललचा जाता, सुंदर माला दिखे तो हम तो पहनेंगे। हमारे ब्रज में तो ब्रज के गामन में कथा होती तो मेहरान में हमने देखो और परासोली में कई जगह अनुभव, छोटे छोटे बालक गांव में कथा है रही और कथा पूरी होने होते समय छोटे छोटे बालक के इकट्ठे, बाबा माला मोए दे दे, बाबा माला मोए दे दे, अब माला एक है, लेवे वारे बालक कई हैं तो भैया किसी न किसी को तो दी जाएगी, जिसको दे उसी पर सब टूट पड़े, झपट पड़े, टुकड़े टुकड़े हो गए, बालक रोए भी लगे, माला बाबा हमारी माला टूट गई, माला टूट गई हमारी। ब्रजवासियों का माला में बड़ा प्रेम होता है, माला पहनने का उत्साह होता है, ठाकुर जी को उत्साह इसलिए हुआ ये सामान्य पुष्पों की माला नहीं है, ये भक्त पुष्पों की माला है, माला सदा पहनी नहीं जाती, कभी उतार के रखी जाती है, पर भक्त पुष्पों की माला पहनने के बाद उतारी जाती नहीं है। एक बार ठाकुर सेवा घर में पधराने वालों को हम प्रार्थना कर दें, जो घर में ठाकुर सेवा विराजमान करते हैं उनको बाजार की माला भगवान को धारण नहीं करानी चाहिए। उत्तम पक्ष तो यह है कि सुंदर पुष्प आप अपनी वाटिका में लगाओ, अपने हाथ से फूल चुनो, श्री कृष्ण शरणम करते हुए आप बड़ी पवित्रता से अपरस में माला जी सिद्ध करो और अपने मन को पिरो दो फूल के रूप में, सुमन उत्तम मन को फिर लाल जी को धराओ, लाल जी भी प्रसन्न होंगे। क्यों माली की माला क्यों नहीं, आप मालियों का धंधा चौपट करना चाहते हैं, माली की माला क्यों नहीं, माली की माला बनी तो सही पर वो ठाकुर जी के लिए नहीं बनी है, किसके लिए बनी है, कोई पार्टी का भक्त पहुंच गया तो नेताजी के लिए बन गई, अब किसी के घर में कोई पधार गया मर गया तो मुर्दे के लिए बन गई, कोई राजा का कर्मचारी पहुंचा तो राजा के लिए बन गई, और कोई बेश्या का भक्त पहुंच गया तो बेश्या के श्रृंगार के लिए माला बन गई, और कोई भगवान का भक्त पहुंच गया तो भगवान के लिए, तो वो माला भगवान के लिए नहीं है, वो तो जो पैसा दे उसके लिए है। पर जब माला वैष्णव सिद्ध करता है तो प्रत्येक पुष्प के साथ श्री ठाकुर जी का चिंतन स्मरण उसको होता है, इसलिए अपने हाथ से ही ठाकुर जी की रसोई बनाना, अपने हाथ से ठाकुर जी के श्रृंगार बनाना, अपने हाथ से ठाकुर जी के फूलों का चयन करना, ये स्वयं अपने हाथ से करना, सेवा तो वस्तुतः उसी को कहते हैं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय वात्सल्य रसाचार्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज थे, वो तो पोशाक भी अपने हाथ से सिलते थे,
मुकुट भी अपने आप से सुंदर सुंदर मुकुट बनाते थे। और हमारे ब्रज में परम पूज्य बल्लभ कुल के ही महापुरुष थे पूज्य श्री श्रीजी बाबा महाराज। श्रीजी बाबा महाराज मथुरा में विराजते, वे तो पूरे जीवन पर्यंत अपने हाथ से ही ठाकुर जी की संपूर्ण सामग्री को सिद्ध करते थे लालन जी की। और उनके परिवार में जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं आवे, मुकुट पोशाक सब श्रृंगार अपने हाथ से सिद्ध करते, और जो सेवा में नहीं आवे उससे बाबा फिर बोलने की तो चले क्या, उसकी ओर नजर उठा के नहीं देखते। जो हमारे लालन की सेवा में नहीं आया वो हमारे किसी काम का नहीं। सब बहू बेटी बेटा नाती पोता जो भी घर में आवे, यहां तक कि कोई दर्शन करने वाला आया, हाथ पांव दो लग जाओ सेवा में। उनके साथ पंडित रहते थे, उनको भी बनाना सिलना मिलना सुलना बिनना कढ़ाई सब सिखा देते थे। श्री योगेंद्र आचार्य जी तो उनके साथ रहे हैं, इनको भी सब सिलाई कढ़ाई सब सिखा दिया उन्होंने। निरंतर भगवत सेवा में लगे रहना। माई मेरे श्याम।